नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनातन सागा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिव पुराण का पहला अध्याय, जिसमें सूत जी ने शिव पुराण की महिमा का वर्णन किया है। श्री सोनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं, कृपा मुझे पुराणों के सार का वर्णन करें। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त विवेक की वृद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष कैसे अपने काम क्रोध आदि विकारों का निवारण करते हैं। इस कलयुग में सभी जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, अतः कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जो कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो तथा पवित्रता लिए हो। प्रभु, ऐसा साधन हो जिससे मनुष्य की शुद्धि हो जाए और इस निर्मल हृदय वाले पुरुष को सदैव के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, सोनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में पुराण कथा को सुनने के लिए अपार प्रेम एवं लालसा है, इसलिए मैं तुम्हें परम उत्तम शास्त्र की कथा सुनाता हूँ। वत्स, संपूर्ण सिद्धांत से संपन्न भक्ति को बढ़ाने वाला तथा शिवजी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है शिव पुराण। इसका पूर्व काल में शिवजी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर आदरपूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्यों के लिए हित का परम साधन है। शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्व साधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इससे मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा लोक में सभी सुखों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, जिसमें 7 संहिताएं हैं। शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान गति प्रदान करने वाला है। मनुष्य को पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसे बांचता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पुण्यात्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदरपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदैव इसे प्रेम पूर्वक सुनना और पढ़ना चाहिए। श्री सोनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी, इस कथा के दौरान कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत का कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम क्रोध मत लोभ से निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने और सुनने पर शुद्ध हो जाते हैं तथा इनके पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, देवराज ब्राह्मण की कथा। बात बहुत पहले की है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला और वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के लिए नहीं लगाया था। वह वेश्यागामी और आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहाँ उसने एक शिवालय देखा जहाँ बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहाँ रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में ही चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहाँ शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। वे कपूर के समान उज्ज्वल थे।
उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सोलक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कहिए। श्री सूत जी बोले, सोनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने एक अन्य गोपनीय कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य व वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वास्कल नामक गांव है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते हैं। वे सभी दुष्ट हैं एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते हैं और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी हैं। वे इस बात से पूर्णतः अनजान हैं कि ज्ञान, वैराग्य तथा सद्धर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि हैं। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले, धर्म से विमुख हैं। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते हैं एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते हैं। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप में डूबी, कुटिल सोच वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सभी सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। वहाँ सिर्फ दुष्टों का निवास है। वास्कल नामक गांव में बिंदुग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा तथा महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुग वेश्यागामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। वेश्यागामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नर्क में चला गया। बहुत दिनों तक नर्क के दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर वह चंचुला नामक स्त्री बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुषों का संग करने लगी थी। सतियां विपत्ति में भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। यह तो तप है। तप कठिन तो होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। विषय इस सत्य को नहीं जानता, इसलिए वह विषयों के विषफल का स्वाद लेते हुए भोग करता है। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वह उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह से यंत्रणा देते हैं। वे उनके कामांगों को तप्त लोह दंडों से दागते हैं, तप्त लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि वह अब ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं।
ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहां से चले गए। तब कथा बांचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण, धर्म को न जानने के कारण मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं पूरे विश्व में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांधकर ले जाएंगे और नर्क में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी हुई हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ अबला का अब आप ही उद्धार कीजिए। शुद्ध जी कहते हैं, सोनक, इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़े। तब ब्राह्मण ने उसे कृपापूर्वक उठाया। ब्राह्मण बोले, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिवपुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त करोगी। शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई है और तुम्हें पश्चाताप हुआ है तथा मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही पापों का शोधक है। इससे ही पापों की शुद्धि होती है। सत्पुरुषों के अनुसार पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित पश्चाताप से ही संपन्न होता है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, वह उत्तम गति प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार बनता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिवपुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। वह शुद्धात्मा पुरुष सदाशिव के पद को प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी है। अतः इसकी आराधना व सेवा करनी चाहिए। यह कथा बहुबंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उनका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होने से ज्ञान और वैराग्य के साथ महेश्वर की भक्ति निश्चय ही प्रकट होती है तथा उनके अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य माया के प्रति आसक्त है, वह इस संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। इससे तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। सूत जी ने कहा, सोनक, यह कहकर वे ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मगन हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक उठे। वह हर्ष भरे हृदय से ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। हे ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन आप धन्य हैं। आप परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। साधो, मैं नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ। कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। जिस पौराणिक व अमृत के समान सुंदर शिव पुराण कथा की बात आपने कही है, उसे सुनकर ही मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है। उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन की बड़ी श्रद्धा हो रही है। कृपा आप मुझे इसे सुनाइए। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए चंचुला
उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगे। उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिवपुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। उसका चित्त शुद्ध हो गया। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। वह सदैव शिव की सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्मरण करती थी। तत्पश्चात अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिवगणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए थे। वह दिव्यांगना हो गई। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। पांच मुख और हर मुख में तीन तीन नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा था। कंठ में नील का चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र थे और शरीर श्वेत भस्म से युक्त था। इस प्रकार भगवान शिव के परम उज्ज्वल रूप के दर्शन करके चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद अश्रुओं की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। चंचुला सुखपूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। सूत जी बोले, सोनक, एक दिन चंचुला आनंद में मगन उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिजानंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों एवं देवताओं द्वारा पूज्य तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की शोधक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली हैं, परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, सोनक, सदगति द्वारा चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्य का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोगकर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। यह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सोनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर चंचुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह से स्थिर करती हुई दुखी हृदय से माँ गौरी से उसने एक बार पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे पापी पति का अब उद्धार कर दीजिए। कृपा करके मुझे यह उपाय बताइए जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरी देवी ने कहा, तुम्हारा पति शिवपुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिवपुराण सुनाने की व्यवस्था की जाए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के
बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच विंदुग नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी का पति था। वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मित्रता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया था। वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनको घरों में आग लगा देता था। चांडालों से दोस्ती करता। वह रोज वैश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसने पापियों के भोग स्थान यमपुर ले गए। वहाँ घोर नरकों को सहकर उस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सभी पापों से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदुग नामक पिशाच को विमान में बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, सोनक, माँ उमा का उपदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान पर विंध्य पर्वत पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता तो कभी उछलता था। महाबली तुम्बुरो ने बिंदुग नामक पिशाच को पासों में बांध दिया। उसके पश्चात तुम्बुरो ने शिवपुराण की कथा पहुँचने के लिए स्थान तलाशकर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि इस पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुम्बुरो शिवपुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्या पर्वत पर आए हैं। इस कथा के सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि वहाँ पहुँच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदुक को पासों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तुम्बुरो ने परम उत्तम शिव पुराण की कथा अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विध्वेश्वर संहिता से लेकर सातवीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्य शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का था। शरीर पर श्वेत वस्त्र और पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान शिव महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करते हुए बिंदुग अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बुरो के साथ शीघ्र ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव व देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। सोनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ सूत जी, आप धन्य हैं एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने सोनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि सविस्तार बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुँचाना चाहिए। हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण के उत्सुक हों, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खम्भों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उसे सब और फल पुष्प सुंदर चंदवों से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें।
भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बांचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराणवेत्ता, पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 PM तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न में 2 घड़ी तक कथा बंद कर देनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उसे 1 दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशय को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिवपुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदरपूर्वक शिवपुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रही हों, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, सोनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और 1 बार ही भोजन करना चाहिए। गरिष्ठन, दाल, जला हुआ अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाएं तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियमपूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिवपुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिवपुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा ग्रस्त को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाएं और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिवपुराण की लिखी पोथी विधिपूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दे। सोनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य बहुबंधन से मुक्त हो जाता है। शिवपुराण को विधिपूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है।
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनि, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। तो ये था शिव पुराण का पहला अध्याय, बाकी के अध्याय भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।